हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि है आपका विसल ब्लोअर का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपना जो है कंपनी लो पढ़ते हो, या फिर जो है आप शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हो, या कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पर विसल ब्लोअर का टॉपिक आपको कई बार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट आज के टाइम में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रियल लाइफ एज वेल एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। So, इसको कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह आप अपने एग्जाम में देख सकते हो। तो 5 मार्क्स टू लेकर के आप जो है 7 मार्क्स तक का इसमें अपना वेटेज लेकर के चल सकते हो। नाउ व्हाट इज विसल ब्लोअर? देखो, विसल का एक अगर मतलब देखें तो विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। आपने कई बार देखा होगा कुछ कंपनियों में क्या होता है, कुछ कंपनियों में अगर कुछ गलत काम हो रहा होता है तो उसमें खुद एक एम्प्लॉय ऐसे निकल के आता है जो बेचारा कहता है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये इनलीगल एक्टिविटी है, या फिर ये किसी और को परेशान करने वाली एक्टिविटी है। तो वो जाकर के खुद अपनी कंपनी के खिलाफ जो है कंप्लेन कर देते हैं। सो ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी ही कंपनी में कुछ गलत मिस लीडिंग चीज हो रही है या मिसकंडक्ट हो रहे हैं खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि उसके कोई भी सीनियर कर रहा है या कोई भी व्यक्ति कर रहा है, जब ऐसा व्यक्ति जो है जाकर के बाहर निकल के उसके बारे में बता देता है तो उसको कहा जाता है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर एक इंडिविजुअल होता है जो कि एक्सपोज करता है कोई भी रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत अगर हो रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है या इनलीगल हो रही है एक्टिविटीज़ उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में। विसल ब्लोअर्स जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये सारी चीज़ों को अटेंशन में लाने के लिए। और यहाँ पे वो सारी फ्रॉडेंटल या अनएथिकल जो बिहेवियर उनके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उसको बाहर लाने के लिए, और उनके जो एक्शंस होते हैं वो दोनों बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस भी देते हैं। बेनिफिट्स देते हैं उन लोगों को जिनको ये बात जाननी ज़रूरी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, ताकि वो उससे जो है संभल सकें। और डिसएडवांटेजेस होते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी में जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं और बाहर आ जाती हैं तो कंपनी का जो एक वैल्यू है वो कम हो जाता है, उसकी जो एक कह सकते हो कि गुडविल है वो कम हो जाती है। सो बेनिफिट्स क्या होते हैं विसल ब्लोअर के? प्रमोट्स करता है अकाउंटेबिलिटी। विसल ब्लोअर जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में है कि उसकी खुद की एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। जैसे विसल ब्लोअर ने अगर कुछ बाहर इन्फॉर्मेशन दी है तो वहाँ पर पता रहे कि किस व्यक्ति के अंडर ये काम आता है और किसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ बनती है अगर कुछ रॉन्ग हैपनिंग मिस हैपनिंग हुई है। सो यहाँ पर जो भी एक्शंस है वहाँ पर वो अटेंशन में आते हैं, और यहाँ पर जो इनलीगल या अनएथिकल बिहेवियर है वो अटेंशन में आता है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो यहाँ पे पता चलता है कि किस व्यक्ति से हमें जवाब लेना है। लेट सपोज अब अगर कोई प्रॉब्लम हुई है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, सो यू कैन नॉट गो टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड आस्क देम दैट व्हाट हैपन और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो यू विल गो टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट हु वॉज द अकाउंटेबल फॉर दिस पोजिशन और दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे ताकि आराम से जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सके और नेसेसरी रिफॉर्म्स किए जा सके, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। आपको पता है कि यार हम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं पब्लिक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हमारा कोई भी डिसीजन पब्लिक के लिए इट कुड बी इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, दोनों तरीके से काम कर सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट हो प्रोटेक्ट हो सके, उसके लिए भी विसल ब्लोअर का एक एडवांटेज आपका ये निकल के आता है। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे एक्शंस हो रहे हैं जो कि कंज्यूमर्स को हार्म कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को हार्म कर सकते हैं, जनरल पब्लिक को हार्म कर सकते हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे जो है उनको हार्म कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में विसल ब्लोअर कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं उनके इंटरेस्ट को जो है बनाए रखने में, ताकि उनके साथ गलत ना हो। सो यहाँ पे इट अलाउ फॉर द टाइमली करेक्शन ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल हार्म। नेक्स्ट इज प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस। विसल ब्लोअर जो है ये अनकवर करते हैं एक फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि जो फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज़ आपकी कंपनी में हो रही है उसको बाहर जागरूक करते हैं, बाहर निकाल के लाते हैं, या फिर बाहर उसके बारे में बता देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई फाइनेंशियल लॉसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल को हो सकता था उससे आप बच जाते हो, यानी कि पहले से ही आप जो है सतर्क हो जाते हो और ज़्यादा लॉस होने से बच जाते हो। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सकता है, इन्वेस्टर का हो सकता है, या पब्लिक का हो सकता है।
सकता है। ऐसी एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करके जो है आप फाइनेंशियल डैमेजेस को भी प्रिवेंट कर सकते हो जो कि फ्यूचर में होने वाले थे। इनकरेज एथिकल प्रैक्टिस। अब यहाँ पे जो है विसल ब्लोअर का जो एक्ट होता है ये कहीं ना कहीं बाकी लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को एक इंकरेजमेंट देता है कि भैया एथिकली प्रैक्टिस करो, एथिकल काम करो, कुछ गलत मत करो, हो सकता है कोई बंदा जो है विसल ब्लोअर बन के बाहर आ जाए। देखो विसल ब्लोअर कोई जॉब नहीं होती, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी कहेगी हम आपको विसल ब्लोअर के तौर पे रखना चाहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति को ये कुछ गलत मिसकंडक्ट होता हुआ दिख रहा है और वो उसके बारे में बाहर बोल देता है तो वो पर्सन जो है यहाँ पे विसल ब्लोअर बन जाता है। जैसे अगर आपने स्कैम मूवी देखी, स्कैम जो है वो देखी हो, वेब सीरीज़ जो हमारी थी ठीक है हर्षद मेहता वाली, अगर उसमें आपने देखा हो तो आपने देखा होगा SBI का ही एक पर्सन था जो कि जाकर के सुचेता दलाल को ये बता देता था कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ समथिंग इज मिसिंग या कुछ इशू है, कुछ यहाँ पे दिक्कतें हैं SBI के, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। सो इस तरीके से जो है वहाँ पे वो बात बताई गई थी और ये बताई गई थी किसके द्वारा, खुद उसी के एक व्यक्ति के द्वारा। सो वो पर्सन क्या था, विसल ब्लोअर था। सो विसल ब्लोअर जो है एक्ट करते हैं एज एन डिटरेंट अगेंस्ट अनएथिकल बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन और वो इस मैसेज को जो है मिसकंडक्ट के मैसेज को वो टॉलरेट विल नॉट बी टॉलरेट और उसको जो है बाहर निकालेंगे। सो इस वजह से क्या है, लोग जो है एथिकल प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ भाई सही से काम करते हैं, अदरवाइज हो सकता है कोई हमारे बीच में से ही जा करके बता दे। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल जो है यहाँ पे रेप्रिक्यूशंस हो सकती है। विसल ब्लोअर जो है कई बार फेस करता है रिटेलिएशन, अगर आपने जाकर के बता दिया और लोगों को पता चल गया कि दिस वन वॉज द पर्सन, ये घर का भेदी, इसी ने लंका ढहाई है, तो उस पर्सन को जो है कई बार प्रोफेशनल और पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपने सुना होगा कई बार जो है इसी वजह से प्रोफेशनली किसी को निकाल दिया गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों बता दिया, हम तुम्हें निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे टर्मिनेशन कर दिया जाता है उस व्यक्ति का, इमोशन कर दिया जाता है कि नहीं हम तुम्हें अब रखेंगे नहीं, उसका हरासमेंट किया जाता है। हरासमेंट मीन्स नॉट फिजिकली, ठीक है दैट इज़ बहुत ज़्यादा खराब होना, बट यहाँ पे हरासमेंट करना यानी कि उसको जो है काम से निकालना, उसको कंपनी से धीरे धीरे करके निकाल देना, उसके पोजीशंस हटा देना, तो वहाँ पे जो है ये डैमेजेस उसको प्रोफेशनल रेपुटेशन में मिलती है। दे में ऑल्सो एक्सपीरियंस पर्सनल स्ट्रेस, यहाँ पे पर्सनल स्ट्रेस भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेन्स भी हो सकता है और इवन थ्रेट्स भी उनको मिल सकती है उनकी सेफ्टी की। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड। अब अगर आपने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है जहाँ पे एक कंपनी की भी कुछ ऐसी लीगल चीज़ें थी जो नहीं आनी चाहिए थी बाहर, कुछ पर्सनल मैटर्स थे जिसके बिना जो है काम चल सकता था, बट स्टिल आपने वो भी बाहर निकाल दी है, तो ऐसे सिचुएशन में लीगल कॉन्सिक्वेंसेज या फिर लॉ सूट्स भी आपके अगेंस्ट आ सकते हैं, यानी आपकी कंपनी आपके जो है लीगल एक्शन ले सकती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर विसल ब्लोअर टू अंडरस्टैंड द लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू देम इन द स्पेसिफिक जुडिक्शन, और इसीलिए विसल ब्लोअर को ये समझना ज़रूरी है कि कुछ लीगल प्रोटेक्शन उनके लिए भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है आपने विसल ब्लोअर का काम किया है, इट्स ओके, आपने लोगों की भलाई की है तो हम आपको कुछ एरियाज में लीगल प्रोटेक्शंस हम आपको देंगे, तो कुछ लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल होते हैं आपके विसल ब्लोअर्स को, तो वो चीज़ें जो है उनको स्पेसिफिकली कुछ जुडिक्शन में क्या है वो जानने चाहिए ज़रूरी होती है। सोशल आइसोलेशन एंड स्टिग्मा, अगर विसल ब्लोअर जो है आपने किसी कंपनी में रहकर के विसल ब्लोइंग की है, दूसरे कंपनी में आप अगर जॉब लेने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है वह लोग प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो सोशल आइसोलेशन आपको कर दिया जाएगा, स्टिग्मा आपको कर दिया जाएगा। विसल ब्लोअर जो है सोशल आइसोलेट हो सकते हैं, उसमें जो है उनके एक्शंस की वजह से उनकी जो है स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स जो है वर्क प्लेस और कम्युनिटी पे वो उसकी एक प्रॉब्लम आ सकती है। दिस देयर माइट बी स्टिग्मा एसोसिएटेड विद बीइंग लेबल्ड अ विसल ब्लोअर, तो यहाँ पे जो है जब आप विसल ब्लोअर बन जाते हो ना तो एक आपका स्टिग्मा आपके साथ एसोसिएट हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं लोग आपसे जो है थोड़ा सा फिर दूर भाग रहे होते हैं, विच कैन अफेक्ट देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, अनसर्टेन आउटकम्स, अनसर्टेन आउटकम्स इसके हो सकते हैं कि विसल ब्लोअर जो है डज नॉट अलाउ रिजल्ट इन इमीडिएट पॉजिटिव चेंज, तो यहाँ पे जो है आप सोच रहे होगे कि भाई बाहर निकालूंगा ये इन्फॉर्मेशन तो इमीडिएटली कोई पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, इट माइट नॉट बी हैपन। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लें, उसका जो आउटकम्स होते हैं वो शायद वेरी कर सकते हैं, कुछ सिचुएशन में जो है इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई गई है आपके द्वारा माइट बी पॉसिबल कि वो सफिशियंट ना हो कोई भी मिसकंडक्ट को प्रूव करने के लिए। आपने कह दिया ये दोनों जो है ना ऐसे ऐसे गुप्त बातें कर रहे थे, हो सकता है ये कंपनी में पैसे घुमाने की बातें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अरे बाबा, व्हाटएवर यू आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन
जो है हो सकता है उससे एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें ना प्रूव हो रही हूँ, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि जब आपके सबूत पूरे नहीं होते हैं, आपके पास जो है पूरे एविडेंस नहीं होते हैं, तो आप सामने वाले पार्टी को गिल्टी नहीं कर सकते, दोषी नहीं बता सकते उस सिचुएशन में। उसको जो है सामने वाली पार्टी को आपको क्या करना पड़ता है, एक आप कह सकते हो बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके चलना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में ये आपको यानी कि एज अ विसल ब्लोअर आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में जो है लीड कर सकता है कि भाई मैंने इतना किया बट इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है उसको उसके पास जो है आपके पास उतने सबूत नहीं थे कि आप सामने वाली पार्टी को गिल्टी दोषी कर सके या ये बता सके कि एक्चुअली में कुछ मिसहैपनिंग हो रही है। सो ये था गाइस विसल ब्लोअर का एक छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ज़रूर आप इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा, अपनी बुक में भी जो है इसके पॉइंट्स पढ़ के जाइएगा ज़रूर, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सबसे एड ऑन होंगे या फिर इसी पॉइंट से मिलते जुलते होंगे। सो लेट्स सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।